नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए इस समय राजवीर की, तो राजवीर ने पलकी से बोल दिया है कि पलकी तुम चिंता मत करना, मैं इस तरीका से हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा इस शौर्य को, क्योंकि दोस्तों शौर्य से बदला लेना मेन मकसद बन चुका है इस समय। और ये वाकई में कहीं ना कहीं सही चीज़ भी है, क्योंकि जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था आखिरकार वो ही होने जा रही है दोस्तों। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहा था, और टेंशन की वजह आप लोग जानते ही होंगे। जी हाँ, टेंशन की वजह साफ साफ नज़र आ रही है। टेंशन की वजह यही है कि जो शौर्य ने किया है, शौर्य को उसकी सज़ा तो मिलकर ही रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि शौर्य के लिए पहले से ही बोल दिया था कि मैं शौर्य को कभी माफ़ नहीं करूँगा। इधर बात की जाए करण की, तो करण ने साफ साफ निधि से बोलता हुआ नज़र आ रहा है कि निधि आज तो तुमने प्रीता की बात कर ली है, आज के बाद में प्रीता की अगर बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों निधि इस समय कहीं ना कहीं प्रीता के लिए जहर फैलवाती हुई नज़र आ रही है, ताकि कभी भी करण और प्रीता नाम एक दूसरे का नाम ना ले पाए। लेकिन दोस्तों अब प्रीता से ही आमना सामना होने जा रहा है करण लूथरा के साथ साथ में पूरी ही फैमिली का, क्योंकि अभी तक लग रहा था कि परिवार जो है वो एक अलग ही मोड में है। आप लोग जानते ही हैं कि परिवार को लग रहा था कि प्रीता इस दुनिया से अलविदा बोल चुकी है, लेकिन दोस्तों जैसे ही प्रीता की एंट्री होगी उसके बाद में सभी लोग बहुत ज़्यादा भयभीत होते हुए नज़र आने वाले हैं दोस्तों। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वहीं पर ही करण लूथरा ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि प्रीता जिंदा है और सामने देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों प्रीता इस समय बिल्कुल साफ साफ सामने देखने को मिल रही है। हालांकि प्रीता को अब कुछ भी पिछली जर्नी में से कुछ भी याद नहीं है, ना ही कोई याददाश्त, क्योंकि दोस्तों वो सब कुछ भूल चुकी है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसे लग रही है मेरी वीडियो ये जरूर।